पर पता नहीं क्यों लॉन्च किया है। बताता हूँ गाइज, अभी बताता हूँ कि निंजा मतलब कावासाकी ने निंजा 500 को क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरनेट पे कह रहे थे कि इसको लॉन्च करने का कोई सेंस नहीं बनता। अब कावासाकी कितना सेंसिफुल है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम आए थे कावासाकी, तो हमने सोचा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बाइक का रिव्यू किया जाए, बिकॉज ये बाइक अभी अभी नई लॉन्च हुई है यहाँ पे। सो हमारे पास आज है निंजा 500, जिसका रिव्यू हम आपको देने वाले हैं, लेकिन इसका कंपैरिजन भी करने वाले हैं साथ ही साथ निंजा 300 से और निंजा 400 से। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या नई चीज़ें इसमें आपके लिए आई हैं जो कावासाकी ने आपको दी हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। बट फिलहाल कुछ चीज़ें ऐसी बताते हैं जो बहुत ही यूनिक है। यूनिक ये है कि तीनों भाई दो सिलेंडर बाइक है। इसके आप देख सकते हो दो सिलेंडर ऐसे मस्त टेढ़े मेढ़े आए, इसके मस्त सीधे से आए, और यहाँ भी आपको दो सिलेंडर देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा कि आप समझ ही पा रहे होगे कि तीनों दो सिलेंडर बाइक हैं, तो तीनों में एक चीज़ बहुत कॉमन है लुक। निंजा 300 का हल्का सा चेंज है, निंजा 400 का ये है 400, कन्फ्यूज मत होना 400 और 500 में, ये 500 है गाइज। यहाँ पे लुक आप देख सकते हो बिल्कुल 25R जैसा लुक आता है, और अगर हम 500 के लुक की बात करें तो बिल्कुल 4R जैसा लुक आ रहा है। ZX4R लग रही भाई, थोड़ा सा बल्की ज़रूर कर दिया इन्होंने, बट तीनों में आपको मिरर सेम देखने को मिलने वाले हैं। ये देखो गाइज, तीनों बाइक्स में आपको बिल्कुल सेम मिरर मिलेंगे, तीनों में आपको स्प्लिट सीट मिलेंगी, सीट का लुक भी ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही मिलने वाला है 400 और 500 में, बस इसमें हल्का सा आपको डिफरेंस मिल जाएगा। अब एग्जॉस्ट की बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जॉस्ट सिस्टम भी मिलता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है आप देख सकते हो। टायर प्रोफाइल की बात करें गाइस, तो फ्रंट में आपको तीनों में हैंडल सेक्शन का टायर मिल जाता है, 300 में भी, 400 में भी और 500 में भी, बट आपको यहाँ पे रियर टायर में चेंज देखने को मिलेगा 400 और 500 में, बिकॉज यहाँ पे 150 सेक्शन का टायर है और यहाँ पे आपको मिलता है 140 सेक्शन का टायर। अब हम बात करते हैं इसके स्विचेस की। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बेसिक से स्विचेस हैं, बल्कि इसमें आपको हजार्ड फ्लैशर वगैरह नहीं मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कुछ ऐसा मिलता है, 15,000 RPM यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ कुछ छोटी मोटी डिटेल्स हैं, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर है, यहाँ क्लॉक है, और यहाँ पे ओडोमीटर दिखाता है। चाबी को करते हैं बंद और चलते हैं निंजा 400 की तरफ। तो 400 में कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलता है, स्विचेस कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट निंजा 300 के बराबर ही स्विचेस इसमें भी हैं। बट जैसे ही चाबी को ऑन करेंगे यहाँ भी 15,000 RPM मिलता है, यहाँ गियर पोजिशन इंडिकेटर है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है 300 के कंपैरिजन में भाई, 300 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बिल्कुल अलग है, इसका थोड़ा सा अलग है। अब हम चलते हैं 500 की तरफ, तो 500 में आपको टोटली डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। चाबी जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ पे फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है, यहाँ गियर पोजिशन इंडिकेटर मिलता है, 14,000 RPM मिलते हैं, यहाँ रेंज दिखाता है, यहाँ फ्यूल इंडिकेटर दिखाता है। अब इन दोनों बाइकों में मतलब 300 और 400 में आपको 1000 फ्लैशर नहीं मिलता था, लेकिन इसमें आपको 1000 फ्लैशर का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। इसमें आप अगर लीवर देखो तो नॉर्मल लीवर है, बट यहाँ पे स्टील का के साथ आपको लीवर मस्त मिलते हैं जो काफी स्टाइलिश दिख रहे हैं भाई। और इन दोनों के कंपैरिजन में मतलब 300 और 400 के कंपैरिजन में ये बाइक थोड़ी सी बल्की जरूर लगने वाली है, बिकॉज इसकी फेयरिंग जो है वो थोड़ी सी यूनिक है। ये सारे कर्व्स देख रहे हो, ये काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं और थोड़ा ज़्यादा बल्कि बनाते हैं निंजा 500 को। अब इंडिकेटर की बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेयरिंग में ही इंडिकेटर है, इधर भी फेयरिंग में ही इंडिकेटर है और उधर भी फेयरिंग में ही इंडिकेटर्स हैं। तो इन इंडिकेटर्स में तो इन्होंने कोई चेंज नहीं किया, बट रियर इंडिकेटर की बात की जाए जो पीछे के हैं उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए आप, कुछ ऐसे इंडिकेटर आपको मिलते हैं, यहाँ हल्का सा डिज़ाइन चेंज है और सेम डिज़ाइन आपको 400 में भी मिल जाता है भाई साहब। अब फ्रंट से लाइट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे LED हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे, इसमें भी आपको LED हेडलैम्प्स थोड़े से अलग थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन के साथ देखने को मिलते हैं, बट इसमें आपको LED हेडलैम्प नहीं मिलते हैं, इसमें आपको नॉर्मल हैलोजन वाले बल्ब देखने को मिल जाते हैं गाइस। अब गाइस बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो निंजा 300 में आपको सबसे ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है जो कि 17 लीटर, बट निंजा 400 और निंजा 500 दोनों में आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी थोड़ी सी कम मिलती है जो कि है 14 लीटर का फ्यूल टैंक भाई साहब। तीनों बाइक्स में आपको अभी तक कावासाकी ने USD फोक्स ऑफर नहीं किए हैं, तीनों की तीनों बाइक्स में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही देखने को मिलते हैं। जैसे सस्पेंशन यहाँ थे, सेम टू सेम सस्पेंशन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, और एकदम सेम टू सेम सस्पेंशन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं गाइज। ये तो गाइज हो गई ऊपर ऊपर से बातें, अब बात करते हैं भाई साहब पावर की। सबसे पहले निंजा 300 की पावर की बात करते हैं, तो इसमें आपको मिलता है 39 PS की पावर, 26 Nm का टॉर्क। निंजा 400 और निंजा 500 में कोई डिफरेंस नहीं है पावर के मैटर में, पर पता नहीं क्यों लॉन्च किया है। बताता हूँ गाइज, अभी बताता हूँ कि निंजा मतलब कावासाकी ने निंजा 500 को क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरनेट पर कह रहे थे कि इसको लॉन्च करने का कोई सेंस नहीं बनता। अब कावासाकी कितना सेंसिबल है ये आपको अभी बताता हूँ। अब पावर की बात करते हैं सबसे पहले, तो दोनों में आपको 45 PS की पावर मिलती है, बट टॉर्क डिफरेंट है। इसमें आपको
38 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, वही दूसरी तरफ इसमें आपको 42 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। जैसा कि भाई साहब आप जानते ही हो 300 सीसी, 400 सीसी और 500 सीसी, सीसी का डिफरेंस सीधे सीधे आ गया है, तो भाई साहब थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही पावर में, क्योंकि सेम इंजन नहीं है तीनों में। अब बात करते हैं प्राइस की। सबसे पहले तो यहाँ आपको मिलती है ये बाइक 4,24,000 ऑन रोड, लखनऊ का प्राइस है भाई। ये जो निंजा 400 है ना, ये बाइक अभी तक लखनऊ में आ रही थी ऑन रोड 6,36,000 ऑन रोड भाई साहब। लेकिन गाइस कावासाकी ने बहुत ही प्यार से सेम प्राइस में आपको निंजा 500 ऑफर कर दी। अब बताओ कंपनी ने अगर सेम इसके प्राइस में आपको ये बाइक दे दी तो क्या तकलीफ है भाई, सेंस बना या नहीं बना? ये तो एक कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई सेम प्राइस में आपको निंजा 500 मिलने वाली है। वही अगर इसका प्राइस बढ़ा होता तो हमें लगता कि हाँ चलो थोड़ी बहुत दिक्कत है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर सेम प्राइस में निंजा 400 के 500 मिल जा रही है तो बहुत बढ़िया बात है। एंड गाइस जब कावासाकी ने निंजा 500 को लॉन्च कर ही दिया है सेम प्राइस में, तो इसका क्या काम, ये बाइक होने वाली बंद। बट फिर भी जो लोग इस बाइक को परचेज करना चाहते हैं निंजा 400 को लखनऊ के शोरूम से, तो भाई साहब आओ मेरा नाम बताओ और इस पर 25,000 तक का डिस्काउंट तुरंत के तुरंत लेके जाओ। सो गाइस पर्सनली मुझे निंजा 500 का कॉन्सेप्ट काफी सही लगा निंजा 400 के कंपैरिजन में। भाई साहब आपको सेम प्राइस में ये बाइक ऑफर कर रही है कंपनी। अब हम सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट सबसे पहले कि बाइक का साउंड कैसा है। तो बाइक को करते हैं स्टार्ट। बहुत स्मूथ है, बहुत प्यारा साउंड है। अब हम सुनेंगे भाई साहब इसका साउंड, निंजा 400 का साउंड सुनिए गाइस। इसका साउंड भी काफ़ी स्मूथ है। अब निंजा 300 का साउंड भी आपको सुना देते हैं कि निंजा 300 का साउंड कैसा है। निंजा 300 से बहुत बढ़िया साउंड है। ये देखिए गाइस सबसे प्यारा साउंड तो इसी का आ रहा है, क्या बात है, सबसे प्यारा साउंड मुझे पर्सनली 300 का लग रहा है। आपको कौन सी बाइक का लग रहा है जरा कमेंट करके बताना। सो गाइस ये था एक छोटा सा रिव्यू तीनों बाइक्स का, निंजा 300 का, निंजा 400 का और निंजा 500 का। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि तीनों में से आपको कौन सी बाइक परचेज करनी है, और अगर अभी भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हो ना गाइस तो कोई और बाइक ले लेना, बिकॉज पर्सनली सही बता रहा हूँ निंजा 500 इज बेटर वर्जन ऑफ निंजा 400, और 300 में थोड़ी कम पावर है। बट आप बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।